गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम पिजॉट राहुल। तो आज हम दिखा रहे आप लोगों को मेरा गोल्ड कलेक्शन। आप लोग देख के समझ गए होंगे थंबनेल में गोल्ड कलेक्शन पार्ट टू, क्योंकि हम क्या बोलते हैं पार्ट वन पहले दिखा चुके हैं। और उस वीडियो शूट करते टाइम हम एक बात बोले थे, आप लोग जो वीडियो देखे हो उन लोगों को पता होगा कि आप लोग उस वीडियो को पार्ट वन को इतना प्यार दिया। और उस वीडियो में ये भी बोले थे अगर आप लोग का प्यार ऐसे ही रहेगा ना तो जल्दी हम गोल्ड कलेक्शन पार्ट टू भी लाएंगे। और सच में आप लोग का प्यार से, भगवान का आशीर्वाद से, बड़े लोग का आशीर्वाद से, मम्मी पापा का आशीर्वाद से तब ये गोल्ड पार्ट टू पॉसिबल हुआ है आप लोगों के पास लेके आना। देखो पार्ट टू में ज़्यादा गोल्ड तो नहीं है, पर जितना भी है मेरा बहुत करीब है और बहुत मेहनत करने के बाद ये सब मेरे पास आया है। और जितना भी है मेरा बहुत शौकीन चीज़ है, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बकेंगे नहीं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम दिखाते हैं ये है आपका पोला का मंगलसूत्र और पोला का रिंग। ये पूरा सेट है और अंगूठी भी है जिसको हम पहन चुके हैं, क्योंकि मेरे घर में पूजा है और हम बहुत जल्दी जाएंगे मायके, कल ही जा रहे हैं मायके। तो आप लोग को पता है ना मायके जाने के पहले गोल्ड वगैरह पहन के जाने में ना फील आता है, तो इसलिए हम पहन लिए ये वाला। उसके बाद ये देख लो, थोड़ा सा सामने से देख लो तब समझ में आएगा। उसके बाद हम ये दिखाते हैं, ये रहा मंगलसूत्र का ये मतलब पोला मंगलसूत्र। देखो ये इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, थोड़ा जूम करके दिखाए पोला मंगलसूत्र। और ये इयररिंग ना सूप डिज़ाइन किया हुआ है, बंगाली में इसको कुलो बोला जाता है और हिंदी में इसको सूप बोला जाता है। सूप डिज़ाइन में पोला में गोल्ड लगा हुआ है। ये पूरा सेट ना हमको अभी भी याद है, ये बहुत रिजनेबल प्राइस में है। पूरा सेट हमको 15,000 का पड़ा था और इतना अच्छा, मतलब गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी आप किसी को दे सकते हैं और बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है ये। तो कोलकाता में भी बहुत चल रहा है, मतलब ये पूरा सेट है, ठीक है। इसका ये अंगूठी हम पहन चुके हैं। उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे ये सिल्वर है, ये बाबू का एक दोस्त है विजेंद्र भैया, उन्होंने ये दिए थे। इसमें लिखा हुआ है सिसोदिया परिवार, तो उन्होंने उनका बेस्ट फ्रेंड है बाबू का, तो उनका ही परिवार सोचे हैं हमको। थैंक यू सो मच, जो मेरा व्लॉग भी देखते हैं भैया। तो ये हमको इतना अच्छा लगता है ना, ये हम इसके अंदर, ये एक शीशा के डिब्बा में था लेकिन हम इसको इसके अंदर रखे क्योंकि हमको डिब्बा हमको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम सॉरी जो भी दिखाएंगे वो गिर गया उधर। ये भी सिल्वर है, हमको ना मतलब रिसेंट सिल्वर का भी बहुत शौक हुआ है, सिल्वर ज्वेलरी का। तो ये एक सिल्वर इयररिंग है जो कि सिल्वर ये है, डायमंड सिल्वर है, बहुत प्यारा है। ये हम डेली वेयर के लिए थे लेकिन डेली वेयर नहीं करते क्योंकि हम लोगों ना वीडियो शूट होता है तो खोलना पड़ता है बार बार। और ये तो बहुत महंगा है, मतलब अच्छा खासा महंगा है, अगर हम इधर उधर रख दें खो जाएगा, इसलिए हम उसको ये कर दें। और एक ये भी सिल्वर डायमंड है, सिल्वर का ही है। तो बोले जैसे कि हमको भी बहुत शौक हुआ है सिल्वर का। ये झुमका इतना प्यारा है, हम और प्रिया गए थे शॉपिंग करने, तो प्रिया एक बार में देखे बोलते भाभी ले लो, हम अभी नहीं लेंगे, मेरे सारे नहीं, आप ले लो पूरा एकदम। मतलब हम और मेरे ननद कहीं शॉपिंग करने ज़्यादातर एक साथ जाते, बिहार जाती है तो, और प्रिया भी आती, तो मतलब हम दोनों को आप घर पर रोक के नहीं रख पाओगे, हम दोनों प्लानिंग करते हैं निकल पड़ते हैं। उसके बाद ये रहा, ये ब्रेसलेट हम कुछ दिन पहले ही दिखाए थे, ये हम मायरा को दिए हैं क्योंकि मायरा रिजल्ट बहुत अच्छा की थी, इसलिए मायरा को हम ये वाला दिए। जूम करो शीश, जूम कर भी है तो देखने समय। ये बहुत प्यारा था, यहाँ पे मिकी माउस बना हुआ है। मायरा ना छोटा छोटा, मतलब जैसे कि मायरा कुछ करती है तो उसको ये सब छोटा छोटा खुशी मतलब गिफ्ट करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है मायरा को कुछ छोटा छोटा गिफ्ट करना। उसके बाद अभी सिल्वर ही आ रहा है तो हम जो भी आ रहा है दिखा दे रहा है। उसके बाद ये है नजरबट्टू सिल्वर लॉकेट, ये दिए थे मायरा को मुँह दिखाई में, मेरी एक दोस्त है रिया धनकार, वो मायरा का मुँह दिखाई में ये मायरा को दी थी। और ये मायरा जब छोटी थी तो मायरा एक दो बार पहनी है, लेकिन अभी तो स्कूल जाती है तो ये अलाउ नहीं करता स्कूल पर, लेकिन ये पहनी है नजरबट्टू ही। उसके बाद है ये सिल्वर डायमंड रिंग जो कि दुकामिस में ही दिखाते तब आप लोगों को समझ में आएगा। आपको नहीं देखा, बहुत बार पहने, मतलब इसको इतना पहने भी सिल्वर डायमंड है, हमको इतना इसलिए इतना अच्छा लगता है मेरा हाथ में, कोई भी बड़ा शादी ऑकेशन में हम इसको पहनते हैं।
उसके बाद एक गोल्ड रिंग वो दिए है मेरी सासू माँ, मतलब हम यहाँ पे फोटो लगा देंगे भी, मेरे सास है तो इन्होंने मायरा को दिए थे ऐसे ही। इसके लिए कोई ये कोई पर्पस के लिए तो हमको नहीं याद आ रहा, ये ऐसे ही दिए। ये है मौसी सास, लेकिन हम लोग हम बाबू ज्यादातर ना मतलब मामा निकल आता है, हम लोग ज्यादातर माई बोलते हैं क्योंकि बाबू मतलब मेरा पति बचपन में ही के पास रहते थे तो इसलिए वो भी माई बोलते हैं, मेरा भी मुंह से कभी भी माई, हम भी माँ बोल लेते हैं। तो ये वाला दिन बहुत हम ना इसको लेके पहले कंफ्यूज थे, ये कौन दे रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा वेट है। हम सोचे ये क्या हम तो ये बनाए नहीं, मतलब ऐसे लगता है हम ही बनाए, इतना वेट है। फिर हमको याद है ये तो मौसी दी है, हम फोटो साइड में मौसी का लगा दिया। अब लोग दुर्गा पूजा में आई थी मौसी, अब लोग नहीं समझ पाओगे तो इसलिए हम लगा दिए फोटो। उसके बाद ये वाला इयररिंग आप लोग देखो, बहुत छोटू सा है, ये मेरी बहन दी है मायरा को मायरा का बर्थडे में। और तब पूछू का सैलरी आया था यूट्यूब से फर्स्ट सैलरी, तो पूछू पहले ही मायरा के लिए गोल्ड इयररिंग बनाई थी, क्योंकि मायरा का मतलब क्योंकि ना जैसे कि मायरा का भी कान में होल्ड नहीं हुआ है इसलिए मायरा को हम नहीं पहना थे, उसको हम एक दो बार पहन चुके हैं। तो मायरा का कान में हो जाएगा तब हम ही मतलब हम ही मायरा को पहनाएंगे, अगर कुछ भी बोल रहा है। और ये पायल सोमनाथ दिया था मायरा का बर्थडे में, ऐसे वो लोग तो ये इयररिंग दिए थे लेकिन सोमनाथ को शुरू से शौक था मायरा को पायल देगा, तो वो जबरदस्ती पायल लिया उसको, हम बोलते मत दे, एक चीज दे रहा है वो, नहीं नहीं हमको शौक है हमको, हम तो देंगे, वो पूछू को देने दे हम ये देंगे। तो वो अलग से जाके ये पायल आया था, हमको याद है, लेकिन ये ना पायल मायरा का पैर से थोड़ा बड़ा होता है, खुल के गिर जाएगा इसलिए हम अभी मायरा को नहीं पहनते। उसके बाद अभी मेन मेन जो गोल्ड है उसमें हम आते हैं, तो फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीच में हम थोड़ा सा स्टॉप किए थे क्योंकि क्या बोलते हैं, मेरा कुछ कुछ गोल्ड का जो डिब्बा है, जैसे कि ये सब इसको डिब्बा बोलता है, वो मेरी मम्मी के पास है। जैसे कि आप लोगों को पता है थोड़ा सा ही गोल्ड है, फिर भी हम लॉकर में ही यहाँ पे रखते हैं, सेफ समझते हैं रखना। तो हम ना डिब्बा पकड़ के नहीं रखते, कोई एक डिब्बा पे ले लेते सब सारा जेवर, जाके लॉकर पे रखते हैं, और बाकी का जिस गहना का डिब्बा है वो मेरी मम्मी के पास है, तो हम लेके आने भूल गए, इसलिए ज़रा एडजस्ट करने में टाइम लगा। तो चलो उसके बाद है ये मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र का जो वो है ना मतलब क्या बोलता है उसको, इसको क्या बोलता है मंगलसूत्र का जो ये तो लॉकेट है, जो चेन है वो ना मायरा खींच दी तो खुल गया, उसको हमको नया लेना पड़ेगा। तो इसका वो लॉकेट है, बहुत प्यारा मंगलसूत्र होना, ये मतलब ना इतना बड़ा था, छोटू सा, हम बहुत पसंद था। देखो हम इसके ऊपर रख के दिखा देते आप लोगों को, देखिए चीजों को, तो इसका डिजाइन हमको बहुत अच्छा लगा था, ये भी बहुत पुराना हो गया। तो ये एक मंगलसूत्र है मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट है ये इयररिंग, ये इयररिंग भी कोई मतलब किसमें, बाबू ही हमको ये सब गिफ्ट किए थे, किसमें गिफ्ट किया हमको इतना याद नहीं है, और वैलेंटाइंस डे में भी गिफ्ट किए होंगे, मतलब हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई तो एक ओकेजन में बाबू हमको ये गिफ्ट किए थे। उसके बाद ये इसके साथ बहुत स्टोरी है, एक दिन ना बाबू के साथ लड़ाई होता, थोड़ा सा गुस्सा हो गया था क्योंकि हमको ऐसा कुछ लेना था, तो दो तीन दिन से मतलब हम उनको बोल देते लेना था लेना था। फिर ना एक दिन हम कोई चीज़ ली कि हम दोनों में थोड़ा बहस हो गया था, गुस्सा हो गए थे, हम उनसे बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद दो मेरा गुस्सा तोड़ने के लिए ये लेके आया था, उसका व्लॉग भी बना था, आप लोग देखे होंगे, जो जो देखे होंगे उसमें कॉमेंट्स करना, जो जो आप लोग जानते हो इस मैटर। तो चलो हम आपको खोल के दिखाते हैं, ये है चोकर, बहुत प्यारा चुकर, हम उल्टा पकड़े हैं, बहुत प्यारा चुकर है ये, हमको बहुत अच्छा लगता है। देखो ये चोकर हमको बहुत मतलब ये चोकर हमको बहुत पसंद था, उनको हम दिखाए थे डिजाइन, लेकिन उनको जो डिजाइन दिखाए थे ना वो डिजाइन थोड़ा सा अलग था और ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन वही चीज हमको मिला है, इसके लिए हम बहुत हैप्पी है। उसके बाद ये है बहुत बड़ा चीज है ये, और मेरे पास मतलब हम जो चाह रहे थे वो मेरे पास दो दो है, इस बात से हमको बहुत खुशी है। ये है नेकलेस सेट, हम बहुत जब शादी हुआ था हमको बहुत शौक था कि मेरे पास भी गोल्ड का एक कम से कम एक नेकलेस सेट रहे, लेकिन अभी मेरे पास दो दो हो गया ये आने के बाद, और ये हमको दिया था बाबू अगला साल मेरा एनिवर्सरी में। तो इस बार एनिवर्सरी पता नहीं बाबू को क्या गिफ्ट करेंगे, लेकिन मतलब ये वाला एनिवर्सरी गिफ्ट हमको बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग दिखाते हैं आप लोग को, एक सेकेंड, बहुत प्यारा गिफ्ट है, तो भालो वो डिजाइन था भाई।
ये हमको बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये मेरा फेवरेट बोल सकते हो, फेवरेट 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 में से एक है, क्योंकि देखो अभी मतलब अच्छे से नहीं दिख रहा था, हाय देखिए अच्छी, क्योंकि मतलब ये ना थोड़ा फैंसी टाइप का है, और मेरा जो ऑरिक है जो बिहार में है वो थोड़ा सा पुराना स्टाइल, मतलब वैसा नेकलेस जिसके पास नेकलेस है वो है ना उस टाइप का नेकलेस तो जरूर होगा ही होगा, जो पुराना थोड़ा पुराना स्टाइल, ये ना थोड़ा सा मतलब अभी इस स्टाइल का नेकलेस है, अभी का जेनरेशन का है, और इसका इयररिंग भी अलग से लिए थे लेकिन पूरा मैच करता है इसके साथ, पूरा मैच करता है, तो इसका सेट बना लिया हम ना, और ये इयररिंग हमको बहुत अच्छा लगता है, यही हम सोच रहे थे शीतला पूजा देखा हो जाए, तुझे उस समय देखा थी तो देखा अच्छा ना, गोल्डन गोल्डन एग हो जाए देखिए अच्छी, मैंने इतना जूम कर, तो यही रहा मेरा गोल्ड गिफ्ट, हमको पता है मतलब गोल्ड कलेक्शन यही रहा मेरा पार्ट टू में, हमको पता है गोल्ड बहुत ही कम था लेकिन जितना था बहुत, मतलब ये बोल सकते हो तो मेरी मम्मी का है, ये मेरी मम्मी का बहुत पुराना था तो मेरी मम्मी इसको तोड़वा के ऐसा न्यू मॉडल बनाई है, और उसके बाद हमको बर्थडे में गिफ्ट की, ये बोलो सबके साथ ना मेरा कुछ ना कुछ स्टोरी जुड़ा हुआ है, और हम कुछ ना कुछ करके, ये तो हमको अभी भी याद है, हम सुनार हम दुकान में जाते थे तो उनके पास हम 1000 रुपया कभी 2000 रुपये उनके पास जमा कर करके ये मंगलसूत्र हम लिए हैं, मतलब कुछ ना कुछ कर करके हम इतना सब कुछ बनाए हैं, और वही इस वीडियो में भी वही बोलेंगे, इस वीडियो को भी बहुत बहुत प्यार देना, अगर भगवान चाहे आप लोग चाहो आप लोग प्यार करो ऐसे ही, तो हम इस वीडियो का गोल्ड कलेक्शन का पार्ट 3 बनाएंगे, देखो पार्ट 1 बनाए थे हम दो अढ़ाई साल पहले हम पार्ट 1 बनाए थे, और 2.5 साल बाद हम बना रहे हैं पार्ट 2। देखो हम तो एक चीज़ हमेशा जानते हैं कि हर चीज़ पॉसिबल, पहले हमको बहुत गोल्ड का शौक बिल्कुल नहीं था, उसके बाद जब हुआ सबको हमको लगता है सबको ही पहनता है, हम क्यों नहीं पहनते, मेरे पास क्यों नहीं है, ये इसके पास है मेरे पास नहीं है, ऐसे हमको लगता था, हमको बहुत मन करता था काश एक गोल्ड का मेरा छोटा सा कान का होता, उसके बाद सही में मतलब हुआ है, हम आप लोग का प्यार, सब लोग ऐसे ही हमको प्यार करते रहो, और वही सेम बात आप लोग मतलब प्यार करो, आशीर्वाद दो आप लोग ताकि हम इसका पार्ट 3 ला पाए, और कौन सा ज्वेलरी आप लोगों को पसंद आया, और कौन सा इसमें से जो भी हम ज्वेलरी लिए सब कुछ ब्लॉग में मतलब इसका तो अरे बोलो तो कनेक्टा किशन हाँ, और ये जो इयररिंग है ना ये है गोल्ड का नहीं ये गोल्ड का नहीं, हमको ऐसे ही बहुत बड़ा बड़ा झुमका पसंद है इसलिए हम पहनते हैं इसको तो चलो आई आप लोगों को पसंद आया मेरी छोटू सा गोल्ड कलेक्शन वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसा वीडियो देखने के लिए, जो लोग न्यू हो क्या कर रहे हो सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, चलो बाय बाय।